नमस्कार, मुनादी न्यूज में आपका स्वागत है। हम यहाँ मौजूद हैं रायगढ़ के बार रूम में। यहाँ महिला एडवोकेट्स हैं हमारे साथ। हम चर्चा कर रहे हैं हैदराबाद में जो शूट आउट हुआ है अभी गैंग रेप के 4 आरोपियों को गोली मार दी गई, उसके कुछ कानूनी पहलू, कुछ सामाजिक पहलू और कुछ जो आम जनमानस में जो चीज़ें हैं उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ बहुत वकील भी हैं, महिला भी हैं, तो वो बेहतर तरीके से बातों को समझ सकती हैं, बता सकती हैं। आखिर ये जो हैदराबाद शूट आउट हुआ है उसके सामाजिक पहलू के बारे में बताएंगे, कानूनी पहलू के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो शूट आउट हुआ है गैंग रेप के आरोपी थे, बहुत क्रूयल थे, उनको शूट आउट कर दिया, ये सही है आपको लगता है? आप वकील भी हैं, महिला भी। एक महिला होने के नाते फौरी तौर पे तो मुझे ये लगता है कि चलो, जो भी दुष्कर्म के आरोपी थे उनको इस तरह से एनकाउंटर कर दिया गया है तो ये सही था। लेकिन एक अधिवक्ता होने के नाते अगर इसको गंभीरता से सोचा जाए, विचार किया जाए, तो कहीं ना कहीं इस एक ट्रायल होना चाहिए था ताकि ये प्रूव हो सकता था कि ये दोषी ही थे और इसलिए इनका एनकाउंटर हो गया। और बिना इनको दोषी पाए गए पहले ही सजा के तौर पर ये एनकाउंटर मेरी नज़र में तो इस संदेह को जन्म देता है और फ्यूचर में ये ट्रेंड भी बन सकता है। तो मेरा ये विचार है कि भले ही स्पीडी ट्रायल हो, फांसी की सजा हो, लेकिन ट्रायल के बाद ही दोषियों को फांसी दिया जाना चाहिए। बताया जा रहा है ये परिस्थिति जन्य, जो एनकाउंटर हुआ परिस्थिति जन्य हुआ, आपको क्या लगता है? ये हो भी सकता है कि ये परिस्थिति जन्य हो सकता है, जब भी मेमोरेंडम के दौरान उन्होंने भागने का प्रयास किया होगा तो उसके दौरान ही उनसे गोली चली होगी और वो जैसा कि बताया जा रहा है कि हथियार छीन के भागे थे तो कोई गंभीर परिणाम को वो जन्म दे सकते थे और फ्यूचर में भी कोई और दुष्कर्म कर सकते थे। ये हो भी सकता है, सही हूँ। और ट्रायल नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन भी कम्प्लीट नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं संदेह को भी जन्म देता है। आपको क्या लगता है? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे होंगे, क्या लगता है इस तरह से शूट आउट करने से समस्या का समाधान है? इससे समाधान तो नहीं है, लेकिन जो हुआ सही हुआ है मेरी दृष्टि से ही, कि कैसे दुष्कर्म करने वालों को कुछ तो शिक्षा मिलेगी। क्या इसको माइलस्टोन बना करके रखा जाए कि नहीं? नहीं करोगे तो ऐसा, ये तो अचानक अनहोनी हो गई है। आप बताए मैम, अगर ऐसे ही शूट आउट हो गया तो अगर ये ट्रेंड बन गया कि आरोपियों को उठाओ, शूट आउट का एनकाउंटर करो, फिर तो वो आपको क्या लगता है? गलत है। ये रेयरेस्ट ऐसा होता है कि भाई वही परिस्थिति जन्य है ये, और इसको ट्रेंड नहीं बनाया जाना चाहिए। और मैं अपना ये इसमें ये राय देना चाहूंगी कि एक कठोर कानून में बस यही है कि उनको पूरे ट्रायल में अगर हम उसका अपराध सिद्ध पाते हैं तो सीधे सीधे फांसी। बाकी ये जो हुआ है ना, अब एक महिला होने के नाते सही है बोलेंगे, बट एक अधिवक्ता होने के नाते हम तो इसको सही नहीं कहेंगे। हो सकता है उस समय की परिस्थितियां ऐसी हुई होंगी तो वैसा हो गया, बट ये ट्रेंड नहीं बनना चाहिए कि कोई इसको हम इसी को मील का पत्थर है, ये बिल्कुल ये अंतिम कान बहुत सही है और यही होना चाहिए, ऐसा नहीं। ये हमारे हिसाब से सही है। आपका क्या कहना है? ये जो हुआ है कहीं डाउटफुल लगता है ये जो शूट आउट हैदराबाद का? जी हाँ, आरोप जब तक सिद्ध ना हो हम किसी को भी आरोपी नहीं मान सकते हैं। जब तक कोर्ट में आरोप सिद्ध हो उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए था। एज एक लड़की होने के नाते तो मैं यही कहूँगी कि जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन एक वकील होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगी कि एक उनको एक अवसर ट्रायल होना चाहिए था, आरोप सिद्ध होना चाहिए था, उसके बाद उनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। आपको कैसे लगता है ठीक, मतलब क्यों लगता है ऐसा कि नहीं शूट आउट तो हो ही जाना चाहिए, क्यों लगता है? क्योंकि जो गैंग रेप है वो सही नहीं है। मतलब एक लड़की को सुरक्षा चाहिए, इस तरह से ऐसे होते रहा तो फिर सारी लड़कियां वो ऐसे ही मर जाएंगी जैसे वो चली गई। तो कहीं ना कहीं तो ये हमारा कानून किसका प्रॉब्लम है, लेकुना किसका है, किसमें लेकुना है, मतलब ये सिस्टम खराब है? नहीं, हमारा जो भारतीय जो कानून है वो थोड़ा लचीला कानून है, इसमें थोड़ा स्ट्रांग आना चाहिए जहाँ तक ये सब मैटर में। तो एक मिनट, आप एक बार बताएं ये जो पूरा जो मसला है
जो हुआ है शूट आउट हुआ है, लोगों को लग रहा है बहुत अच्छा हुआ, बहुत लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है और क्यों लगता है? मेरे को ये लगता है हुआ तो एक आम पब्लिक की वो से देखें तो ठीक हुआ, लेकिन एक लीगली हम लोग आपको आम पब्लिक के हिसाब से भी क्यों लगता है कि रेयर? अब वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ऐसा हुआ और वो एक सामूहिक गैंगरेप था, इसलिए वहाँ मैंने पुलिस लेके गई थी उनको, और जो भी कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा जो किया गया उस वहाँ पे वो उस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ठीक हुआ। लेकिन मैं एक लायर हुआ, हम तो कानून से बंधे हुए हैं, और लीगली यदि कुछ उसको सोच मैंने वो है तो उसमें तो उसकी छानबीन उनको पूरा एक मैंने वो होना चाहिए कि हाँ वास्तव में ये इन्होंने क्राइम किया है तो उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। और इसमें मैंने एक टाइम लिमिट होना चाहिए, ये जो केसेस हैं 376 के जितने भी केसेस हैं इसमें मैंने टाइम लिमिट करना चाहिए, उसकी सजा को और कठोर जहां तक हो सके उससे ज्यादा और कठोर, तो लोगों को ये लगे कि हाँ इसको करने के पहले उन लोग 10 बार सोचे। आप बताएं, आप सीनियर एडवोकेट लग रही हैं, ये अच्छा क्यों लगता है लोगों को, ये चीजें अच्छी क्यों लग रही हैं आपको, क्यों क्या लगता है कि ये चीजें अच्छा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सिस्टम में? सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से सब हो रहा है, क्योंकि कानून बहुत लचीला है जहां तक सोचा जाए, इस सब मामलों में अच्छे से विचारण नहीं किया जाता है। कई बार क्या है, दोषी तो छूट जाते हैं लेकिन जो दोषी नहीं होते हैं उनको सजा मिल जाती है सबूतों के अभाव में, इसके अभाव में अच्छे तरह से विचारण करना चाहिए इसमें, और पुलिस को भी एकदम निष्पक्ष होकर इसमें कार्रवाई करना चाहिए। कई बार क्या है, उसके पीछे में हाथ किसी और का रहता है और मेन आरोपी को सजा नहीं मिलती है। तो एक चीज इधर इधर ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा मिल ही रहे कुछ लोगों को, लेकिन उसके लिए भी चीजें हैं ना, कि मतलब उसका संग्रहण करना, जो विटनेसेस हैं, जो मोड ऑफ ऑपरेंट जिसको बोलते हैं आप लोग, तो वो सब चीजें तो होनी चाहिए ना एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है कि जो कोडिफिकेशन है सीआरपीसी का, जो प्रोसीडिंग है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को क्या करना था इस प्रकरण में, खासकर हैदराबाद में पुलिस में एक कमी आ गई थी कि उसने ज्यूरिसडिक्शन का सहारा कि मेरे थाने में नहीं आता है, ये लड़की के जो पीड़िता है, जो जिसका जिसकी मृत्यु हुई, जिसकी हत्या हुई, उस पीड़िता के घर वाले 2.5 घंटे तक एक थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा रहे हैं और वो पुलिस तत्परता नहीं दिखा रही, रिपोर्ट नहीं लिखी, बोल रही कि इस थाने का अधिकार नहीं, आप दूसरे थाने में जाइए, वहां जाके रिपोर्ट करिए। वो 2.5 घंटे वो थाने में बैठा कर रखी, उन्होंने त्वरित कार्रवाई नहीं की। त्वरित कार्रवाई होती तो कम से कम उसकी जान तो बच सकती थी। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस ने ना लैकुना को फुलफिल करने के लिए ये शूट आउट किया, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ना कहीं सिस्टम में भी तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल, सिस्टम में प्रॉब्लम, 10-10 साल लग जाते हैं, क्योंकि एक थाने, कोई भी थाने को, मेरे तो ये कहना है कि किसी भी थाने में अगर कोई पीड़ित जाता है रिपोर्ट दर्ज करें तो उसको दर्ज करना चाहिए, 0 पे कायमी करते हैं, 0 पे किसी भी रिपोर्ट को दर्ज किया जा सकता है, भले ही उसकी स्थानीय अधिकारिता में ना आए लेकिन वो 0 पे कायम कर सकता है, बाद में उसकी अधिकारिता वाले थाने को नंबरी कायमी कर सकता है। तो क्यों नहीं इन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज किया, इनको रिपोर्ट दर्ज करना था, भारत ही तो था वो जगह, भारत में ही था, हैदराबाद के दूसरे थाने का था, उनको दर्ज करना था और त्वरित कार्रवाई करनी थी। आप एक चीज आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये जैसे आपके पास इस तरह के केसेस आते हो, आपको लगता है पुलिस उदासीनता बरतती है ऐसे मामले में? बिल्कुल। किस तरह? वो जो FIR दर्ज नहीं करना तत्काल, और उल्टे जो पीड़ित हैं उनके जो पेरेंट्स जा रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति उस समय कैसी रही होगी, उनको बोला जा रहा है तुम्हारी लड़की भाग भी तो गई होगी, यहाँ पर पुलिस का क्या नजर आ रहा है, उनकी किस तरह की मानसिकता, ये उनकी ड्यूटी, ऑन द ड्यूटी वो इस तरह का किसी पीड़ित पक्षकार को बोला जा रहा है, और वहां पर उनको डिले हुआ वो थाने के चक्कर में, यहाँ नहीं वहां, हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, तो पुलिस की तो गलती है ना, और ये इस तरह से फिर ऐसे ही अपनी गलतियों को छुपाने के लिए फिर ऐसा एनकाउंटर करते रहेंगे। ये यंग एडवोकेट दिख रहे हैं, आप बताएं आपकी राय क्या, मतलब अभी स्टूडेंट है बट एक महिला दे सकते, महिला के नाते
पे पहले तो विचार होना चाहिए था, पहले कोर्ट में इसका विचारण मामला लाना था, उसके बाद ही जजमेंट होना था कि हाँ उनको फांसी की सजा हो या फिर और कठोर से कठोर दंड दिया जाता। इसलिए यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए, फांसी चलना चाहिए।